प्रेम से बोलिए जय माता रानी की। आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारतवर्ष के मध्य प्रदेश प्रांत के शहडोल संभाग के अंतर्गत बुढ़ार शहर से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भटिया नामक स्थान पर लेकर चल रहे हैं, जहां पर भटिया देवी भक्तों का कल्याण करने के लिए विराजित हैं। यह यात्रा बुढ़ार से प्रारंभ हुई, 33 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भटिया पहुँचे, जहाँ पर माता रानी भक्तों का कल्याण करने के लिए विराजित हैं। भटिया पहुंचकर मुख्य सड़क छोड़कर माता के मंदिर की ओर प्रवेश किए। यहाँ पर निर्माणाधीन भव्य प्रवेश द्वार मिला, जो कि अभी निर्माणाधीन है। अंदर सड़कें बन रही हैं, हो सकता है अगली बार हम आएँ तो यहाँ की चकाचौंध और भी अलग तरीके से दिखे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्य निर्माणाधीन दिखाई दे रहे हैं। आप भटिया माता के मुख्य प्रवेश द्वार का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भटिया देवी दर्शन हेतु पहुँच पाए, क्योंकि जब तक माता का बुलावा नहीं होता यहाँ पहुँच पाना संभव नहीं होता है। मंदिर के बाहर में मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों तरफ पूजन प्रसाद की सामग्री हेतु कई दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ से आप पूजन प्रसाद की सामग्रियाँ लेकर के माता के पूजन हेतु मंदिर में जाएंगे। आइए अब मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं और मंदिर प्रांगण में जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उनका अवलोकन करते हुए आपको भी उन सभी दर्शनीय स्थलों का दर्शन लाभ प्राप्त कराते हैं। इस मंदिर में प्रतिदिन अनेक श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना माता के सामने रखते हैं और माता रानी उनकी समस्त मनोकामनाएं यथासंभव यथाशीघ्र पूर्ण भी करती हैं। माता के मंदिर का प्रांगण अत्यंत विशाल है, आप देख पा रहे हैं बहुत बड़े क्षेत्रफल में माता का यह मंदिर फैला हुआ है। मंदिर प्रांगण में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अभी आप जो दृश्य देख पा रहे हैं यह माता का मुख्य मंदिर है, जिसमें तीन गुंबद दिखाई दे रहे हैं। आइए सबसे पहले हम अन्य दर्शनीय स्थलों का दर्शन लाभ प्राप्त करें। सबसे पहले हम भोलेनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त किए, आप भी भोलेनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। इस वृक्ष की विशालता इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। वृक्ष के पास में ही हमें एक शिवजी दिखाई दिए जो छत पर हैं। फिर हमें शिव मंदिर दिखाई दिया, यह दूसरा शिव मंदिर है इस प्रांगण का। मंदिर के अंदर प्रवेश किए तो पीतल से निर्मित भगवान भोलेनाथ की सशरीर प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनका दर्शन लाभ करके बाहर निकले। यहाँ पर इस वृक्ष के समीप गए तो देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना के रूप में चुनरी बांधे हैं और वृक्ष के नीचे पवन सुत हनुमान भी दर्शन देने के लिए विराजित हैं, उड़ते हुए हनुमान जी की प्रतिमा। फिर हम आगे बढ़े तो शिव पार्वती का मंदिर दिखाई दिया। यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में भगवान भोलेनाथ की बहुलता दिखाई दी। यह उनका तीसरा मंदिर है जहाँ पर हम दर्शन हेतु प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर पांच शीश वाले भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी एवं कार्तिक महाराज अर्थात संपूर्ण शिव परिवार ही विराजित हैं। अत्यंत भव्य दर्शन प्राप्त हुआ, प्रतिमा अत्यंत सुंदर दिखाई दी। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम इस मंदिर से बाहर निकले, पुनः उस वृक्ष के पास पहुँचे। वृक्ष के बगल से ही एक सीढ़ी दिखाई दिया जहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर होना बताया गया, लेकिन यह सीढ़ी से चढ़कर छत के ऊपर जाना था। हम भी सीढ़ी चढ़ते हुए छत के ऊपर पहुँचे। छत के ऊपर पहुँचने के बाद हमें लक्ष्मी नारायण मंदिर प्राप्त हुआ, जहाँ पर हमें भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। शांताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आगे बढ़े तो भगवान भोलेनाथ का एक और मंदिर प्राप्त हुआ, जहाँ पर हम दर्शन हेतु पहुँच गए। जब मंदिर के अंदर प्रवेश किए तो यहाँ भी संपूर्ण शिव परिवार का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। आप दर्शन कर पा रहे हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग, माता पार्वती, गणेश जी एवं कार्तिकीय महाराज का, साथ में नंदी महाराज भी बैठे हुए हैं। सबका एक साथ दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का वर्चस्व, भगवान भोलेनाथ का दबदबा बना हुआ है। अनेक मंदिर प्राप्त हुए भगवान भोलेनाथ के। उसके बाद आगे बढ़े तो वीर हनुमान जी का मंदिर प्राप्त हुआ, जहाँ पर पवनसुत हनुमान का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। जय वीर हनुमान। अब हम माता रानी के मुख्य मंदिर की ओर आगे बढ़े। विशाल मंदिर, मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक दाहिनी ओर कुछ बड़ी बड़ी घंटियां लटकती हुई दिखाई दीं। संभवतः ये घंटियां माता के भक्तों के द्वारा यहां पर बंधवाई गई होंगी। सर्वप्रथम माता भटिया देवी के मंदिर के शिखर का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ, जहां पर तीन गुंबद दिखाई दे रहे हैं। अब हम माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता रानी के गर्भगृह की ओर आगे बढ़े। आप दर्शन कर पा रहे हैं भटिया माता का। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। माता रानी अपने दिव्य स्वरूप के साथ भटिया नामक स्थान पर, भटिया नामक ग्राम में विराजित हैं। आप एक बार अवश्य आइए, माता का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। प्रेम से बोलिए जय माता रानी। जय माता दी। आदरणीय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल पर आपका स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आपको शहडोल मंडल के अंतर्गत बुढ़ार से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर भटिया ग्राम में आए हुए हैं। यहाँ पर माता भटिया देवी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और यहाँ के बारे में विस्तार पूर्वक समझने के लिए हम पंडित जी के पास चलते हैं। पंडित जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुशील कुमार द्विवेदी है। सुशील कुमार द्विवेदी जी, आप यहाँ कब से हैं? ये तो हमारे मतलब जैसे पूर्वजों से है, ये दर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है पूर्वजों से। अच्छा, ये हाँ। तो यहाँ पर माता जी कब आई, इसके बारे में कोई जानकारी आपको? ये बहुत प्राचीन चीज़ है, ये क्या है कि पांडव काल में कहा गया। अच्छा, और यहाँ हमारे बाबा जी लोग मुझे मतलब कई पीढ़ियों से आप लोग सेवा कर रहे हैं, इसलिए निश्चित जानकारी नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि पांडवकालीन माता जी हैं। तो पांडवकालीन है तब तो द्वापर युग की है, बहुत प्राचीन हो गई। पहले तो ऐसे झोपड़ी में रहे। अच्छा अच्छा। फिर धीरे धीरे हमारे पिताजी ने धीरे 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 करके एक मंदिर बन गया छोटा। हाँ हाँ। फिर दूसरा भी मंदिर बगल में बना। अच्छा अच्छा। हाँ, छोटे मंदिर जहाँ वो दे दी। जी हाँ जी। पहले मंदिर देखे हैं? पहले वाले नहीं देखे हैं, पहले वाले नहीं। नहीं, यूट्यूब में देखें आ जाएगा। हाँ, हम दरअसल पहली बार यहाँ पर आए हैं, इसलिए यहाँ के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। अच्छा, ये उन्हीं के दरमियान जो सब, ये तो अभी अभी से बना है मंदिर, जो अभी बने हुए थे। अच्छा, अभी बने मान लीजिए। तो किसी का विशेष सहयोग इस मंदिर में? सबका सहयोग, माता के भक्तों का। माता मतलब किसी विशेष व्यक्ति को नहीं कह सकते कि किसी विशेष को। विशेष कृपा है कि भाई जो भी भक्त लोग वो जो अभी अपना जो भी मान ले सकती है, हाँ, उनका मनोकामना सब पूर्ण करते गए। हाँ, सब लोग लाते गए।
अच्छा, हम अभी मंदिर के पीछे तरफ गए थे, दीवार पर हाथ के निशान ऐसे दिखे, तो ये हमें कुछ अलग सा लगा इस मंदिर में, उसका क्या महत्व है, वो क्यों लगा है? ये है कि यीशु के पास बाल बच्चे सब नहीं, हाँ है ना, हाँ, ये माता जी का अर्घ्य लगाते हैं, अच्छा हाथ का छाप लगाते जाते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, अच्छा मतलब अपनी मनोकामना अगर कोई लेकर के यहाँ आता है तो माता रानी उनकी मनोकामनाएं शीघ्र सुनती हैं, ये कह सकते हैं। उसमें प्रक्रिया क्या रहेगी पंडित जी? जैसे हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, वे जब भी आएँ तो वे क्या तैयारी करके आएँ? यदि उनको कोई मनोकामना यहाँ मांगनी है माता से, हो गया तैयारी, कुछ नहीं है, नारियल चुनरी यहीं से सब मिल जाता है, मतलब जो भी सामग्रियाँ चाहिए सब यहीं पर दुकान में उपलब्ध है, घर से कुछ भी लेके आने की आवश्यकता नहीं है, बस श्रद्धा लेके आने की आवश्यकता है। अब उनकी कृपा है, बस माता रानी की कृपा चाहिए, सब उन्हीं का वही है, वही तो देने वाली वही है, लेने वाली वही है, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी शक्ति के आगे हम और आपको कुछ भी नहीं। माता भटिया देवी का दर्शन करके उनकी आरती में सम्मिलित होने के बाद हम मंदिर की परिक्रमा के लिए निकले। पीछे गए तो हमें कुछ हाथों के निशान दिखाई दिए, जगह जगह हत्था लगाने के लिए, हाथ का निशान लगाने के लिए विशेष स्थान भी बना हुआ है। पंडित जी ने हमें यह बताया कि ये वह स्थान है जहाँ पर लोग अपनी मनोकामना स्वरूप अपने दोनों हाथ के पंजे घी में डुबाकर यहाँ पर छाप लगाकर जाते हैं, यही मनोकामना स्वरूप माता रानी स्वीकार करती हैं। माता रानी के गर्भगृह के ठीक सामने में बड़ा सा बरामदा है जहाँ पर असंख्य श्रद्धालु एक साथ दर्शन हेतु खड़े हो सकते हैं। माता रानी के गर्भगृह के ठीक बाईं ओर एक मंदिर है जहाँ पर कुछ प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं। हमें भी जिज्ञासा हुई कि ये प्रतिमाएं कौन सी हैं। जब पंडित जी पूजन कर रहे थे, उनकी अनुमति लेने के बाद हम मंदिर की ओर प्रवेश किए। यहाँ जाकर के हमें कुछ अद्भुत प्रतिमाओं का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। मन में कौतूहल उत्पन्न होने लगा कि इनकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हो। हमने पंडित जी से अनुरोध किया, तब पंडित जी हमें यहाँ की जानकारी बताए। जी जी, अगस्त 1985 में जी हाँ जी हाँ। ये सूर्यदेव कब मिले थे? ये कहाँ से मिले थे आपको? जी जी, अच्छा अच्छा, तो ये प्रतिमाएं भूमि में दबी हुई थी, खुदाई के दौरान ये प्राप्त हुई हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं हैं। जी हाँ जी हाँ। और ये शिव जी के ये शिवजी और ये शिवजी का परिभाषा कोई नहीं निकाल सकता है। 1933 से हमारे बाबा जी से मंदिर हो गया था। अच्छा अच्छा, 1933 तो ये 1933 से ही है कि उससे भी पहले है? 1933 पुरानी मंदिर है, जब आपके दादाजी हुआ करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर इनके बाद माता जी का भी कोई परिभाषा नहीं बता सकता। अब वो भी 1933 से, मतलब हमारे बाबा जी लोग नहीं बता पाए, दादाजी लोग क्या बताए। बहुत प्राचीन प्रतिमा है।
और ये प्रतिमा? ये तो बनाई हुई मूर्ति है। अच्छा 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 ये शिवजी की दोनों प्रतिमा ये प्राचीन। जी हाँ जी हाँ। ये भी प्राचीन। तो ये प्राचीन प्रतिमा किनकी प्रतिमा है? ये है माता जी का है, ये अभी का नाम है। चलिए, तो ये भी प्रतिमाएं खुदाई से ही प्राप्त हुई हैं? वही मंदिर के पीछे में जो आप बता रहे हैं वहीं से? अच्छा अच्छा ये फूलमती जी। अच्छा अच्छा तो इनकी महिमा के बारे में कोई जानकारी? अच्छा अच्छा हाँ। यहाँ कौन सी प्रतिमा है? इसमें मदनदास शिव जी का पूरा परिवार। अच्छा, शिव परिवार। और इधर पे माता काली जी हैं। ये प्राचीन नहीं है, बनाई हुई। अच्छा, ये बनाई हुई प्रतिमाएं हैं, बाकी इधर की प्रतिमाएं खुदाई से प्राप्त हुई हैं। अच्छा 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 और ये प्रतिमा भी बाद की प्रतिमा है? चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाटिया देवी मंदिर के द्वितीय महंत श्री राम सुंदर द्विवेदी जी का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, जो कि भाटिया देवी मंदिर के द्वितीय पुजारी एवं वर्तमान पुजारी श्री सुशील कुमार द्विवेदी जी के पूज्य पिताजी थे। मंदिर के पुजारी श्री सुशील कुमार द्विवेदी जी के विशेष सहयोग से भाटिया देवी मंदिर में वीडियोग्राफी हेतु अनुमति प्राप्त हुई, जिसके कारण हम मंदिर के गर्भगृह तक वीडियोग्राफी करके आप तक माता रानी के दर्शन हेतु वीडियो पहुंचाने में सफल हुए। माता का दर्शन करने के बाद मंदिर से जब बाहर निकले तो मंदिर के ठीक सामने में कई वृक्ष दिखाई दिए। सभी वृक्षों के नीचे चबूतरा बना हुआ है और इस चबूतरे पर अत्यंत प्राचीन प्राचीन प्रतिमाएं जो कि खुदाई से प्राप्त हुई हैं उन्हें स्थापित किया गया है। इन प्रतिमाओं के बारे में बताया गया कि खुदाई से प्राप्त पांडवकालीन प्रतिमाएं हैं जो कि अत्यंत प्राचीन हैं। इनकी प्राचीनता का कोई इतिहास तो ज्ञात नहीं हो पाया, लेकिन यह बताया गया कि यह प्रतिमाएं पांडवकालीन हैं। पांडवकालीन है अर्थात द्वापर युग की प्रतिमाएं हैं जो कि मंदिर के पीछे खुदाई से प्राप्त हुई हैं, जिन्हें मंदिर के बाहर में सुरक्षा के घेरे में रखते हुए दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु रखा गया है। जब भी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं माता का दर्शन करने के बाद इन प्रतिमाओं का दर्शन एवं अवलोकन अवश्य करते हैं। भारत भूमि एक दीप भूमि है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में कोई न कोई देवी देवता अपने वर्चस्व में अपने प्रभाव में है। प्राचीन समय की ये प्रतिमाएं भी यही कह रही हैं कि भारत भूमि अभी से नहीं प्राचीन समय से ही सनातनी भूमि है। माता का दर्शन करने के बाद हम यहाँ के प्रधान पुजारी श्री सुशील कुमार द्विवेदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उनके विशेष सहयोग से ही हमें यहाँ पर वीडियोग्राफी की अनुमति प्राप्त हुई और हम आज यह वीडियो आप तक पहुँचा सके। जय माता रानी।